हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और आपको बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ दिख रहा होगा। चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ लिया है और उसका आपने नोट्स भी बनाया होगा और उसका सारा क्वेश्चन भी कर लिया गया है। तो आज मैट्रिक्स से संबंधित चैप्टर ही है ये। अलजेब्रा का आपकी किताब में ये सेकेंड चैप्टर होगा मैट्रिसेस के बाद का नेक्स्ट चैप्टर है ये। तो डिटरमिनेंट्स जो है वो क्या होता है आज हम लोग समझेंगे। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ ताकि आप कॉपी पे जो नोट्स बनाते हैं तो वो लिखने में आपको सुविधा होगा, और लिख दिया गया है ताकि आपका समय भी बचता है वीडियो में। तो आज शुरू करेंगे हम लोग न्यू चैप्टर। आप बने रहे हमारे साथ, देखिए क्या होता है डिटरमिनेंट। आपने पढ़ा है अभी तक मैट्रिसेस। आप अपने कॉपी पे सबसे पहले हेडिंग दे दें, नाम क्या है डिटर्मिनेंट, DETERMINANTS, डिटर्मिनेंट्स, ये चैप्टर का नाम है। तो हम लोग समझेंगे क्या होता है डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेज हमने पढ़ा था और हम लोग जान चुके हैं कि मैट्रिक्स जो है वो कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया था उसका कि मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, और फॉर गुड लुकिंग उसको हम लोग एक बाहर से एक बॉक्स रेक्टेंगल टाइप, मतलब कि एक बड़ा ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट देते थे मैट्रिसेस के लिए। किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक बड़ा ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट बाहर से लगाते थे। अब यहाँ पे क्या होता है डिटरमिनेंट्स में कि जितने आपने पढ़ा अभी मैट्रिक्स में, उसमें कुछ मैट्रिक्स ऐसे थे जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी थे, तो उन स्क्वायर मैट्रिक्स से एक नंबर एसोसिएट होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट्स। तो ये भी जान लेंगे कि मैट्रिसेज का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि वह जो है मैट्रिसेज वह एक मैट्रिक्स यदि है तो वह एक नंबर्स का अरेंजमेंट है और इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन डिटरमिनेंट जो है वो एक नंबर से एसोसिएटेड होता है और इसका वैल्यू होता है। हर एक डिटरमिनेंट्स का अपना एक वैल्यू होता है। वो वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग आज ही सीखेंगे आज के क्लास में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो 1x1 ऑर्डर का हो सकता है। किसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको याद होगा जहां पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और इस तरह के मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है n x n, जिसको हम लोग सिंपली n x n पढ़ते हैं, और जिसको हम लोग n x n पढ़ते हैं और सिंपली कहते हैं अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सिर्फ एक n बोल देने से काम हो जाता है। मैट्रिक्स जब था कोई स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम लोग क्या बोलते थे, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स में इक्वल हुआ करता था तो हम लोग उसके ऑर्डर को n x n बोलते थे और सिंपली क्या पढ़ते थे, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यही पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। तो जितने सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसका एक अपना डिटरमिनेंट होता है। तो आप अभी हम समझाएंगे आपको, बोर्ड पे देखिए जो लिखा हुआ है, आप चाहें स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को बना सकते हैं, फिर इसको इरेज करके आपको हम इस चैप्टर का जो भी इसमें होता है प्रोसेस वो समझा देंगे अभी। तो क्या है फर्स्ट लाइन, क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है। और इसको कैसे डील करेंगे अभी देखें कि कोरस्पोंडिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो मान लीजिए कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो आपने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स ए का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है a11 a12 a13। अगर कोई बच्चे नए हैं या फर्स्ट वीडियो यही देख रहे हैं वो पहले मैट्रिसेज पढ़ लें उसके बाद डिटरमिनेंट पे आएंगे। a11 a12 a13 ..a1n, इसका मतलब क्या होता है a11, ये बताया गया आपको लास्ट चैप्टर में कि a11 पोजीशन बताता है किसी भी मैट्रिक्स के उस एलिमेंट का। a11 एलिमेंट है, आपको याद होगा कि aij से हम लोग मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया करते थे, जहां पे i उसके रो को और j उसके कॉलम के पोजीशन को बताया करता है। तो a11 का मतलब हुआ कि ये एक एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे है। दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, a1n फर्स्ट रो nवां कॉलम, nth कॉलम, ठीक है। उस प्रकार से यहां तक मान लीजिए ये है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ऐसे ये nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, और ये है nth रो n कॉलम, मतलब रो जो है वो nवां है, nth रो है और कॉलम भी nth है, an। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n x a, जिसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, अ मैट्रिक्स a ऑफ ऑर्डर n, सिंपल एक n बोल देंगे काम हो जाता है।
तो ये मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एन है और नंबर ऑफ कॉलम भी एन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, इसका मतलब यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स वो 1x1 ऑर्डर का हो सकता है, 2x2 ऑर्डर का हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का हो सकता है, या 4x4 ऑर्डर का और मोर हो सकता है ये, पर हम लोग को जनरली 1, 2 और 3 ऑर्डर का ही पढ़ना होता है, समटाइम्स 4 ऑर्डर का देखा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर हम चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये एक मैट्रिक्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स दिस, जो कि आप जानते हैं इसकी फिगर को आप पहचानते हैं, देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ इससे कॉल्ड द डिटरमिनेंट ए, क्योंकि ए यहां बोल दिया गया मैट्रिक्स का नाम यहां पे नेमिंग कर दिया गया है, तो डिटरमिनेंट का नाम भी ए रहेगा, बट इसको पढ़ते हैं मैट्रिक्स ए, और अब क्या पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ए, लिखते कैसे हैं, डिनोटेड बाई डीईटी डेट ए, और ये जो सिंबल देख रहे हैं आप ऐसे लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा दिस इज नॉट मॉडुलस, आपने पढ़ा था क्लास 11th में कि अगर कोई मॉडुलस दिखाना हो, मॉडुलस ऑफ 2, तो आप उसको मॉड 2 ऐसे लिखते थे, या मॉडुलस ऑफ -2 तो आप उसको ऐसे लिखते थे, याद है, तो ये मॉडुलस नहीं है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर ए मैट्रिक्स है, ये अगर 2 एक नंबर है तो मॉड 2 है, ये मॉडुलस 2 को सिंपली हम लोग मॉड 2 पढ़ते हैं, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ये जो सिंबल जो कि मॉडुलस जैसा ही दिखाई दे रहा है, यह मॉडुलस नहीं पढ़ा जाएगा, यह पढ़ा जाएगा डिटरमिनेंट ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन कॉल्ड द डिटरमिनेंट ए डिनोटेड बाई डेट ए, और डिटरमिनेंट ए लाइक दिस रिटेन एज डेल्टा, डेल्टा कहते हैं किसी भी डिटरमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, ये सिंबल है, सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू, और अब जो मैट्रिक्स जो कि रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में मतलब बड़ी ब्रैकेट में दिया गया था, वो मॉडुलस जैसा ब्रैकेट मतलब कि स्ट्रेट लाइन में लिख देते हैं उसको ऐसे, ध्यान दीजिएगा अगर ये ऐसे लिखा हुआ है दो हर तरफ से तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रेट लाइन है तो ये उस मैट्रिक्स से संबंधित उस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो जो सारा एलिमेंट्स यहाँ था वही एलिमेंट्स यहाँ पे है, यह डिटरमिनेंट का कोई ऑर्डर बात करता है तो यह एन बाई एन ऑर्डर का है, और सिंपली बोलते हैं और डिटरमिनेंट ए ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। अब देखिए ये तो समझ गया कि किसकी मैट्रिक्स जो है वह अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एक एसोसिएटेड डिटरमिनेंट होता है, मैट्रिक्स को हम लोग बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में करते हैं रिप्रेजेंट, जबकि डिटरमिनेंट को हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखते हैं, ये तय हो गया, और यह भी समझ गए कि जो डिटरमिनेंट होता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, मैट्रिक्स तो बहुत सा था, रेक्टेंगुलर था, हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल मैट्रिक्स था जिसमें एक ही नंबर ऑफ रोज एक ही हो या कॉलम एक ही हो, ऐसा बहुत सारा डिफरेंट मैट्रिक्स था, पर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है, अगर कोई मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट वैलिड नहीं है, उसका डिटरमिनेंट नहीं होगा, ये तय है, नोट में लिखवा देंगे। कोई मैट्रिक्स यदि एन बाई एन ऑर्डर का है तो हम लोग सिंपली बोलते हैं अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, और उसके संबंधित उसके एसोसिएटेड डिटरमिनेंट को बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो हम लोग सिंपली ए लिखते थे, बट इसका डिटरमिनेंट को हम लोग ऐसे लिखेंगे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, समटाइम्स हम लोग ऐसे या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये ही कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, ये वाला कॉमनली यूज करते हैं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट को कैसे हम लोग जोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं इसका, और अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि इसका कैसे एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। आप जानते हैं कि जो मैट्रिक्स है आप उसका कोई भी अपना वैल्यू नहीं होता है, जब आप मैट्रिक्स का मेरा वीडियो देख रहे होंगे वहाँ बताया गया था कि हम एक बात पे जोर दिए थे कि मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स जो है कोई भी मैट्रिक्स वो एक नंबर का अरेंजमेंट है और उसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है उसका अपना वैल्यू होता है,
तो इस वैल्यू को हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हम लोग उस वैल्यू को निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं वन बाई वन ऑर्डर का, टू बाई टू ऑर्डर का और थ्री बाई थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, कैसे उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो सीखेंगे हम लोग। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ नोट्स भी लिखना है आपको अपने कॉपी पे। नोट नंबर वन ये है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स जो है वो नंबर का अरेंजमेंट है एंड सो इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, और इसलिए इसके पास कोई अपना फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। Why? जबकि each determinant has a fixed value, और जितने determinant होते हैं उसका अपना fixed value होता है, ठीक है? तो ये अभी आप screenshot ले लीजिए और screenshot ले अभी लीजिए screenshot इसका और screenshot लेके अपने copy पे note करेंगे इसका। आपने screenshot ले लिया होगा। Note two लिखिएगा। नोट वन हो गया आपका, इसके नीचे नोट टू लिखिएगा। इसको इरेज कर दे रहे पहले। नोट टू और डिटरमिनेंट having n rows and n columns, is known as a determinant of order, n by n, or simply of order n. Simply हम लोग n by n order को simply n order का determinant भी कहते हैं। Note 2 लिख लीजिए आप। Note 3 लिख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं note 3। A determinant of null square matrix इज नॉट डिफाइंड। नोट वन लिखा आपने, यहाँ पे उसको इरेज किया गया। नोट टू लिखा आपने, अभी नोट थ्री लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए। जगह नहीं था नीचे में तो यहाँ मैंने लिखा इसे। एक डिटरमिनेंट जो कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कोई मैट्रिक्स यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका कोई डिटरमिनेंट नहीं होता है, ठीक है? हम लोगों ने इतना कुछ सीखा अभी डिटरमिनेंट के बारे में। अब हम लोग बोर्ड पे इरेज करके आपको हर एक अलग अलग तरह का जो डिटरमिनेंट होता है, एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का या तीन ऑर्डर का, सबका एक्सप्रेशन कैसे उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो सिखा रहे हैं। तो बोर्ड को साफ कर लिया गया है। अब हम लोग डिटरमिनेंट का जो बेसिक जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहली सीढ़ी है, वहाँ उसको पार कर चुके हैं और आप सीख रहे हैं अब नया चैप्टर। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अब आपको इसके आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी आपने सीखा कि डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका डिटरमिनेंट ए लिखेंगे हम लोग ऐसे, आप देखें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो ए बी सी डी। यह है मैट्रिक्स है और ये है डिटरमिनेंट है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह कितने ऑर्डर का है, 2 बाई 2 ऑर्डर का है। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2। तो सिंपली अब हम बोलेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट में सारा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा डिटरमिनेंट, तो हम लोग और हम लोग यह भी जानते हैं कि n बाई n ऑर्डर को सिंपली बोलते हैं ऑर्डर n। तो अब हम लोग सिंपली बोलेंगे दो ऑर्डर का ऑफ ऑर्डर 2। तो यह जो डिटरमिनेंट है वो अभी कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। 2 ऑर्डर का मतलब 2 बाई 2 ऑर्डर। यह डिटरमिनेंट 1 बाई 1 ऑर्डर का है, सॉरी मैट्रिक्स 1 बाई 1 ऑर्डर का है, और इसका एसोसिएटेड जो इस मैट्रिक्स का जो एसोसिएटेड डिटरमिनेंट होगा उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ध्यान रहे, दिस इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए, ए स्मॉल लेटर ए, दिस इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, ओके? कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज नॉट कॉल्ड मॉडुलस,
चूंकि बी मैट्रिक्स है अतः यह जो सिंबल है इसे हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, मॉडुलस नहीं पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सी सी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 3x3 ऑर्डर का, ए बी सी डी एफ जी एच आर, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो ऐसा होगा, ऐसा दिखाई देगा और यह है कि आपका ऑर्डर 3 यानी कि 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया इस मैट्रिक्स से, ठीक है। तो अब ये हम लोग समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोगों ने सीख चुका है। अब अभी हम लोग को एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का और तीन ऑर्डर के मैट्रिक्स के बारे में, डिटरमिनेंट के बारे में, कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टाइप ऑफ डिटरमिनेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस। तो अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वन बाई वन ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू को एक्सप्रेस करना, फिर सीखेंगे 2x2 और तब लास्ट में सीखेंगे 3x3 ऑर्डर का। बहुत ही आसान चैप्टर है ये आपका अल्जेब्रा, तो पूरा आसानी है ना, क्लास 12 का एक चैप्टर खत्म हो चुका है मैट्रिसेस, पीछे का वीडियो आप रिवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे, नोट्स जो बनाए होंगे वो देखते रहेंगे और अभी आपको डिटरमिनेंट पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही आसान है। तो पहले आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, अपने कॉपी पे नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको और लिखिए जैसे कि देखिए ये जो डिटरमिनेंट है वो वन ऑर्डर का है तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे। तो कोई भी मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है जो कि वन बाई वन ऑर्डर का है उसे कैसे लिखते हैं, आप जानते हैं उसे हम लोग लिखते हैं ऐसे, मान लीजिए कि एक ही एलिमेंट है, वन बाई वन ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, उसमें एक ही एलिमेंट होगा ना, नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, तो ये एक मैट्रिक्स है मान लीजिए जिसमें एक ही एलिमेंट है, नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 बाय 1 ऑर्डर का, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स दिस इज डिफाइंड बाय डिटरमिनेंट एंड दैट इज इक्वल टू ए, नोट इट सिंपली, नोट इट। अब इसके बारे में समझेंगे क्या है ये, दिस इज नॉट मॉडुलस, दिस इज डिटरमिनेंट है, बार बार लिख रहे हैं यहां पे, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए और दैट इज इक्वल टू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब देखिए यहाँ पे कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे, मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें कि ऑर्डर है 1x1, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ए क्या होगा, 1 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2, बी एक मैट्रिक्स है और ऑर्डर है यहाँ पे 1x1 है ना, और एलिमेंट क्या है -2, इसका मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी को डिटरमिनेंट बी ऐसे लिखेंगे। और अभी आप ऐसा मत सोचेंगे कि यहां पे डिटरमिनेंट -2 का वैल्यू 2 नहीं होगा, -2 होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू ए, अब ए पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या जीरो हो या कोई रियल नंबर हो या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हेलो लिसन मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग टू यू, एक ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है वो कैसा ऐसा दिखेगा, वैल्यू क्या होता है ए, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए, वैल्यू इज ए, एक ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, जो अंदर में डेटा है वो चुपचाप यहाँ पे लिख देंगे। अब ये अगर ये वाला ए यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, जीरो है तो जीरो होगा वैल्यू, और यदि ये रियल है तो रियल, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स, मतलब कि सेम टू सेम जो अंदर डेटा है वो बाहर लिखते हैं, दैट डेटा इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1x1, सिंपल है। उसी प्रकार से आप देख रहे थे यहाँ मैट्रिक्स बी क्या था, 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है,
जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है माइनस टू, तो नो डाउट इस मैट्रिक्स जो कि 1/1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा, इस 1/1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका जो वैल्यू होगा, जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वही इसका वैल्यू होता है उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का। यानी कि माइनस टू अगर एक एलिमेंट है तो इस मैट्रिक्स में यदि एक एलिमेंट है माइनस टू तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर का, और इस मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा यही एलिमेंट बाहर माइनस टू होगा। आपको पता है पहले से कि अगर कोई आपसे बोले मॉडुलस ऑफ माइनस टू तो वो प्लस टू होता है। इस मॉड को आप लिखते हैं ऐसे, माइनस टू इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे डिटरमिनेंट ऑफ टू तो क्या होगा, माइनस टू इस क्या प्लस टू नहीं माइनस टू ही होगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये है मॉडुलस माइनस टू बराबर प्लस टू, ये है डिटरमिनेंट माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू। तो मॉडुलस में तो आप जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, अंदर मॉड के अंदर नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, जीरो रहे तो जीरो आता है मॉडुलस में। लेकिन डिटरमिनेंट में जो अंदर वैल्यू है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, डिटरमिनेंट यदि निगेटिव में है तो निगेटिव आएगा, और जीरो है तो जीरो आएगा। नोट इट, ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पे जो माइनस टू का जो वैल्यू माइनस टू लिखा गया है वह डिटरमिनेंट माइनस टू है, जिसको आप लोग मॉडुलस ऑफ माइनस टू नहीं पढ़ेंगे मतलब नॉट रीड एज मॉड माइनस टू। ओके, व्हाट रीड एज डिटरमिनेंट माइनस टू, रीड एज डिटरमिनेंट माइनस टू, ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग। ओके, तो ये हो गया आपका वन ऑर्डर का मैट्रिक्स। दो एग्जांपल हम दे चुके हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। एक मैट्रिक्स सी है जो कि नल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर का, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वह ऐसे लिखा जाएगा और वैल्यू होगा जीरो। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सी, माइनस टू इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी एंड 1 इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए ऑफ ऑर्डर 1/1, ठीक है। तो हम लोगों ने सीख लिया है, आप अभी इसको अपने नोट करेंगे, अपने कॉपी पे इसको ढंग से नोट कर लें। हाँ, क्लियर आपको दिख भी रहा है, 22 मिनट हो भी चुका है। अभी आपको सिखाया जाएगा वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो जल्दी से आप कॉपी पे नोट कीजिए वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, दो ऑर्डर के ऑर्डर 2। तो अभी आप देखें, आपने ऑर्डर 2 के बारे में कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A11, ए बी सी डी, ऐसे पढ़ते हैं पहले ए बी सी डी, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये एक मैट्रिक्स है और इसका मान लीजिए इसका नाम दे रहे हैं, दिस इज मैट्रिक्स ए, कितने ऑर्डर का है 2/2। इसका डिटरमिनेंट ए को ऐसे लिखेंगे और मीनिंग क्या होता है ए बी सी डी। वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे प्रोसेस ये है, देखिएगा, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी को बी से या बी को सी से, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए ऑफ टू ऑर्डर। तो ये दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग निकालना सीख चुके हैं। इसको अगर हम थोड़ा जनरलाइज कर दें, फॉर एग्जांपल अगर ए इक्वल टू ऐसा ले लें, मैट्रिक्स लें ऐसे A11 A12 A21 A22, तो ये क्या बता रहा है ना, ये एलिमेंट का पोजीशन बता रहा है। तो द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज डिफाइंड एज, इसके बाद यहां पे हम लिख सकते हैं डिफाइंड एज, ये एग्जांपल था A is equal to this, तो determinant A is equal to और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप से A11 A22 और ध्यान दें बीच में माइनस रखते हैं लोग, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं A21 या A12 पहले लिख लें A12 A21 इस पे इससे
इसको इससे, तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको आगे लिखे पीछे लिखे, आप जानते हैं नंबर से तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये हो गया आपके दो ऑर्डर के दो ऑर्डर का जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आप समझ गए ठीक है। तो ये आप नोट कर ले इसको, अभी इसमें हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं दो ऑर्डर के मैट्रिक्स पे। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दिया जाए कि इवैल्यूएट क्वेश्चन वन वन टू थ्री फोर, या कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ये क्या है डिटरमिनेंट है कि मैट्रिक्स है, पहचान जाएंगे आप यह मैट्रिक्स नहीं है, यह क्या है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन आ गया, यह क्या हो गया, ये ऑलरेडी अपने डिटरमिनेंट फॉर्म में है, इसका निकालना है वैल्यू। कैसे निकालते हैं वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वन इंटू फोर माइनस थ्री इंटू टू, यानी क्या हो गया फोर माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। एक ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सीख गया, दो ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सीख गया, यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म में ही था और उसका वैल्यू निकालना हम लोग जान गए कैसे निकलता है। कुछ और एग्जांपल ले लिया जाए, नंबर टू ले लिया जाए, यहाँ माइनस थ्री है, टू है, फाइव है और सेवन है, कैसे निकलेगा ये, सेवन थ्री पहले ऐसे माइनस थ्री इंटू सेवन कर लेंगे हम लोग और माइनस फाइव इंटू टू माइनस ट्वेंटी वन माइनस टेन इज इक्वल टू माइनस थर्टी वन, निकल चुका वैल्यू, आप इसे नोट करें। और अभी आपको कुछ क्वेश्चन देंगे हम दो ऑर्डर का बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बोर्ड पे भी आपको, वन और टू क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे और क्वेश्चन थ्री यहाँ पे है जिसको कि इवेलुएट करना है, दो ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है। क्वेश्चन फोर है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और क्वेश्चन फोर में दो क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों में ही आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन फाइव है कि आपको साबित करना है, प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू वन, और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन थ्री करेंगे, आप देखिए कैसे बनाते हैं दो ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है ये। तो अभी कैसे इसका, इसको कैसे करेंगे इवेलुएट, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और यहाँ एक्स प्लस वन फिर से। अब जानते हैं इसको कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप इसको मल्टीप्लाई करके बीच में हम लोग माइनस का साइन देते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू। तो इसको इससे इन टू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इन टू एक्स प्लस वन माइनस इसको इससे एक्स प्लस वन इन टू एक्स माइनस वन, और अब सिंप्लीफाई करना आपको आता है, सिंपल अलजेब्रा है ना ये, इंटू कर लेंगे आप एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स क्यूब हो गया, और फिर इसको आप इससे कर लीजिए पहले एक्स स्क्वायर इंटू वन क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। फिर अब इसको दोनों से करेंगे, पहले इसको इससे किए इसको इससे करेंगे, अब इसको इससे फिर इसे करेंगे एक्स इंटू एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है यहाँ पे और माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स बन जाए एक्स, और फिर इस वन को दोनों से तो वन इंटू एक्स एक्स और वन इंटू वन प्लस वन, ये हो गया आपका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा उस फॉर्म पे। और कुछ कैंसिल होगा तो प्लस एक माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस वन, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को थ्री टू तब ऐसे करके लिख दिए, ये क्वेश्चन थ्री का आंसर हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा के हम क्वेश्चन फोर बनाएंगे, हालांकि क्वेश्चन फोर तो हम बिना मिटाए भी बना सकते हैं। यहाँ पे फोर का वन दिया गया है ये कि दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देखिए फिर से क्वेश्चन लिखा जाए थ्री एक्स सेवन माइनस टू फोर लिखते हैं यहाँ पे, और राइट में एट सेवन सिक्स और फोर लिखा हुआ है, लिखिए उतर गया दैट इम्प्लाइज ये दो ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, और ये भी दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो इसको हम लोग पहले दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, ये इंटू ए माइनस ये इंटू ए, ऐसे होगा थ्री एक्स इंटू फोर माइनस माइनस टू इंटू सेवन, यही होता है ना इज इक्वल टू
8 × 4 − 6 × 7 3x × 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 14 8 × 4 = 32 − 42 इक्वल टू प्लस माइनस ये घटेगा ना आपस में तो 2 से 2 गया 0 और 4 × 3 = 8 बराबर निगेटिव है निगेटिव ये प्लस 14 डाइट में गया तो माइनस 14 दैट इज इक्वल टू माइनस 24 x इज इक्वल टू माइनस 24 डिवाइड बाई 12 माइनस 2 आप देख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 2 तो अभी आप 4 का 1 बन गया 4 का 2 बनाने के लिए जगह कम पड़ सकता है तो इस क्वेश्चन 3 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे आप इसको नोट कीजिएगा खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा हम क्वेश्चन 3 इरेज कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे अब क्वेश्चन 4 का जो 2 है यहाँ पे बना देंगे जहाँ पे इरेज कर रहे हैं वहाँ पे 4 का 2 बना देंगे फिर 5 बना देंगे 4 का 2 यहाँ देखिए आप बोर्ड दिखाई दे रहा होगा इवन अब तो लग रहा है कि आप खुद से भी बना सकते हैं तो हो सकता है कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी बना लें अगर आप चाहें तो क्वेश्चन 2 यहाँ पे उतारा गया सिंप्लीफाई करना है कैसे होगा x + 1 × x + 2 − इसको इससे x − 3 × x − 1 और राइट पे क्या होगा 4 × 3 − नीचे लिख देना जगह नहीं राइट में −1 × −1 इंटू आप कर लेंगे हमको लगता है कि आपको आता होगा ये सब कर लें फिर भी हाँ फिर भी कर दिखा देते हैं इसको इंटू करेंगे इससे x × x² + 2x अब इसको इससे फिर इसको इससे यहाँ x लिखे हैं प्लस 2 × 2 एक हो गया माइनस अब इन दोनों x² − x इसको इससे फिर इससे −3x − +3 इज इक्वल टू 4 × 3 = 12 −−+1 3x + 2 x² − 4x = 13 साइन चेंज हो जाएगा निगेटिव है बार तो ये कैंसिल हो गया प्लस और माइनस 3x + 4x = 7x 2 − 3 − 1 = 13 तो 7x = 13 + 1 = 14 x = 14/7 = 2 तो हम लोग 4 का 2 भी बना चुके 4 का 1 का भी हम लोग आंसर निकाल चुके थे और ये भी निकाल लिए 4 का 1 माइनस 2 आया था और 4 का जो 2 है उसका आंसर 2 आया है आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके बिना देखे भी आप कॉपी पे भी इसको बना सकते हैं तो ये हो गया अभी हम लोग को क्वेश्चन 5 करना होगा तो इसके लिए हम लोग फिर से बोर्ड को मिटा दे रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हाँ अब इसको हम 4 के 2 को इरेज कर रहे हैं यहाँ पे लिखने में सुविधा हो रहा है तो 4 इसको 4 के 2 को इरेज करके और 5 का क्वेश्चन यहाँ पे हम साबित कर दे रहे हैं कि कैसे वो आप करेंगे इवन अगर आप खुद से भी बनाएं 5 का तो भी आप भी बना सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला याद हो 11th क्लास का तो चलिए 5 को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले हम लोग क्योंकि साबित करना है sin 10° − cos 10° sin 80° − cos 80° sin 10 cos 80 ये हो गया माइनस ये इंटू है अगर ऐसे लिख ले तो अगर कुछ समस्या हो तो ऐसे लिख सकते हैं आप मल्टीप्लीकेशन में या निगेटिव में आपको दिक्कत हो रहा हो तो sin 80 × −cos 10° अभी क्या हो गया अभी हो गया sin 10 cos 80 −× − + लिख सकते हैं क्या पहले cos 10 को और फिर sin 80 को ये सिर्फ फॉर्मूला पे सेट हो गया sin A cos B + cos A sin B sin A + B याद है फॉर्मूला sin A + B = sin A cos B + cos A sin B क्या हो गया फिर sin 90° और sin 90° क्या होता है 1 that is equal to right hand side hence proved ये हुआ 5th क्वेश्चन
ठीक है, ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, तो आप इसे भी नोट कर लें। अब आपको ऑर्डर तीन का सिखाया जाएगा। देखिए अभी आप सीख चुके हैं, पहले आप क्या सीखे आज कि मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उससे एसोसिएटेड एक डिटरमिनेंट होता है। यह भी सीखे आपके मैट्रिक्स चूंकि नंबर्स का अरेंजमेंट है और इसलिए इसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, जबकि डिटरमिनेंट का अपना, हर एक डिटरमिनेंट का जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है उसका अपना एक वैल्यू होता है। मैट्रिक्स आप वन ऑर्डर टू ऑर्डर और थ्री ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े थे, तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट होगा वह भी वन ऑर्डर का, टू ऑर्डर का और थ्री ऑर्डर का, इवन मोर देन थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी होगा। जिस प्रकार से मैट्रिक्स था ऑर्डर में वन टू थ्री मोर देन थ्री, उसी प्रकार से डिटरमिनेंट भी वन टू थ्री ऑर्डर का होगा, मोर देन थ्री भी होगा। आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में तीन ऑर्डर तक ही आपको जानना है, समटाइम्स फोर ऑर्डर का देख सकते हैं। तो ये अभी आप सीख चुके हैं कि कैसे वन ऑर्डर के मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके इवेलुएट करते हैं, वो सीख गए। यह भी सीख गए कि दो ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लिया हमने। अब क्या आया, अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है तीन ऑर्डर के मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा उसको कैसे इवेलुएट करेंगे। सिंपली ये कहें कि तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे इवेलुएट करेंगे। तीन ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहने का तात्पर्य है कि एक डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर हो 3/3, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही 3 हो, तो इस तरह के डिटरमिनेंट्स को कैसे इवेलुएट करेंगे वो सीखेंगे। वन ऑर्डर का आसान था, दो ऑर्डर का आसान था, देख चुके आप। तीन ऑर्डर का भी आसान है, लेकिन तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट को इवेलुएट करने के लिए उसके पहले हम लोग को जानना होगा दो टर्म्स इससे जुड़ा हुआ, एक है माइनर एक है कोफैक्टर, एक है माइनर एक है कोफैक्टर। माइनर अगर कोई मैट्रिक्स, अगर कोई डिटरमिनेंट तीन ऑर्डर का है तो उसके जो प्रत्येक एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे उसमें पता है आपको ना, एक एक डिटरमिनेंट यदि तीन ऑर्डर का है तो कुल उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे आपको पता है, उसमें कुल एलिमेंट्स होते हैं 9, 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स। तो इस 9 एलिमेंट्स का, जितने 9 एलिमेंट्स हैं, इस 9 एलिमेंट्स का प्रत्येक एलिमेंट्स का अपना माइनर होता है और अपना कोफैक्टर होता है। तो तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट को इवेलुएट करने के पहले हम लोग को जानना अति आवश्यक है, बिना जाने बिना माइनर्स और कोफैक्टर्स जो कि प्रत्येक एलिमेंट का होता है, डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर जो होता है तीन ऑर्डर में, उसको बिना जाने हम लोग तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट को इवेलुएट नहीं कर सकते ऑफ ऑर्डर थ्री। ठीक है, तो पहले ये देखें कि एक डिटरमिनेंट है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक एक डिटरमिनेंट है तीन ऑर्डर का, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो ये जो कुल ये 3/3 ऑर्डर का जो आपका डिटरमिनेंट हुआ, इसमें कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल 9 एलिमेंट्स हैं। इस प्रत्येक एलिमेंट का अपना माइनस होता है और अपना कोफैक्टर होता है। तो अगर हम तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का माइनस निकालें तो प्रत्येक एलिमेंट का माइनस निकालना पड़ेगा, तो 9 माइनस होगा और 9 कोफैक्टर्स होगा। अभी सीखेंगे माइनस को हम लोग MIJSA से डिनोट करते हैं, जबकि कोफैक्टर को CIJ से डिनोट करते हैं। अभी मत लिखिएगा, हम जब बोलेंगे तब लिखिएगा, अभी समझिए। हम बोर्ड पेश करके पहले डेफिनेशन लिखेंगे MIJ का और CIJ का। MIJ माइनर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, माइनर ऑफ AIJ, माइनर ऑफ AIJ। CIJ ये होता है कोफैक्टर, अभी मत लिखिएगा, हम लिखवाएंगे कोफैक्टर ऑफ AIJ। हम ना अच्छे से डेफिनेशन लिखवा के तब इसके बारे में बात करेंगे। तो MIJ का मतलब माइनर ऑफ AIJ और CIJ का मतलब कोफैक्टर ऑफ AIJ। तो अगर कोई लिखता है आपका M11, इसका मतलब हो गया क्या, माइनर ऑफ A11। कोई लिखता है आपसे M12, इसका मीनिंग हो गया माइनर ऑफ ए एलिमेंट A12। C13 कोई लिखता है, मीनिंग हो गया कोफैक्टर ऑफ A13। ठीक है,
तो अभी हम इसको आप अभी स्क्रीन का ये अभी नहीं लिखेंगे, जो अभी अभी जो बोर्ड पे लिखे हैं अभी लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन को क्लियर करके, इस बोर्ड को क्लियर करके पहले हम माइनर का और को फैक्टर का ढंग से डेफिनेशन लिख देते हैं, और लिखने के बाद इसको हम समझाएंगे ताकि आप इसे अपने नोट्स पे सही से लिख सकें। अब लिख लें आप। अभी आपको जो बोला जा रहा था कि अभी आपको ये नोट्स बना रहे ना, तो इस अभी आप अपने कॉपी पे ये लिख रहे हैं, माइनर और को फैक्टर का डेफिनेशन लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री और मोर के लिए आपको दो टर्म पढ़ना है, माइनर ऑफ इच एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट को हम लोग किसे करते हैं डिनोट, ए आई जे से, तो माइनर ऑफ ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए, और यहाँ पे टॉपिक है आपका को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए, ये को फैक्टर और यहाँ पे माइनर के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अब कॉपी पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और कॉपी पे नोट कीजिएगा, और अब हम इसको बारीकी से समझा देंगे कि किसे कहते हैं माइनर और किसे कहते हैं को फैक्टर और कैसे फाइंड आउट करते हैं। तीन ऑर्डर या उससे अधिक, थ्री और मोर के डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को माइनर और को फैक्टर दो टर्म जानना होता है। ये जानने के बाद ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं तीन या उससे अधिक ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो माइनर क्या होता है आप यहाँ पर देखें, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, किसी भी एलिमेंट ए आई जे का माइनर इन डिटरमिनेंट ए इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑब्टेंड बाय डिलीटिंग द आइथ रो ए आई जे, तो आइथ रो एंड जेथ कॉलम, आइथ रो एंड जेथ कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट ए एंड इज डिनोटेड बाय एम आई जे, और एम आई जे से डिनोट करते हैं। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया हो कि क्या डिलीट करना है, वो हम सिखाएंगे अभी के अभी। अगर सब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपको एम आई जे निकालने आ गया, मान लेते हैं हम समझा देंगे अभी, मान लीजिए जैसा बोल रहे हैं वैसा फॉलो कीजिए। मान लीजिए कि आप ना ये सीख आप सीख चुके हैं कि एम आई जे कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट ए आई जे का, किसी डिटरमिनेंट ए में ए आई जे का माइनर एम आई जे कैसे निकालते हैं डिलीट करने के बाद आइथ रो और जेथ कॉलम को, अगर आप सीख चुके, सपोज दैट आप एम आई जे निकालने में सक्षम हो गए, तो को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए, को फैक्टर को देखिए यहाँ पे सी आई जे से डिनोट कर रहे हैं, क्या लिखा गया डेफिनेशन, द को फैक्टर सी आई जे ऑफ एन एलिमेंट, सी आई जे ऑफ एन एलिमेंट, द को फैक्टर सी आई जे ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए इज डिफाइंड एज सी आई जे इज इक्वल टू माइनस, दिस इज रूल, सी आई जे इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे इन टू एम आई जे। हमने क्या कहा अभी, यदि आप सपोज कीजिए कि एम आई जे आप निकालना सीख चुके हैं, तो एम आई जे यदि आपको निकालने आ गया है तो सी आई जे भी निकाल चुके हैं आप। कैसे, सी आई जे क्या है, कुछ नहीं है, एक माइनस वन नंबर है उस पे पावर आई प्लस जे, ये आई प्लस जे, आई जो रो को बता रहा है, जे जो कि कॉलम को बता रहा है, उसका सम और इनटू एम आई जे यहाँ पे लिख देते हैं, यही है, ठीक है। तो अब हम पहले समझाएंगे कि एम आई जे कैसे निकालते हैं, आई थ्रो को और जे कॉलम को कैसे डिलीट किया जाता है, ठीक है। आप इसका सॉरी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम आपको समझाते हैं कि माइनर किसी भी रो या कॉलम को कैसे हम लोग डिलीट करके निकालते हैं। देखिए ये जो कोफैक्टर है सी आई जे, ये तो आसान काम है, ये तो बस एम आई जे निकल गया तो उसी में कुछ एक रूल लगा देंगे माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे, तो वो सी आई जे निकल जाता है। एम आई जे ए आई जे का माइनर को एम आई जे से, यदि हमको माइनर ऑफ ए वन थ्री चाहिए, जिसको कैसे डिनोट करेंगे, एम वन थ्री से, कोई अगर लिखा कहीं पे एम वन थ्री तो क्या पढ़ेंगे आप, माइनर ऑफ द एलिमेंट ए वन थ्री ऑफ द डिटरमिनेंट, गिवन डिटरमिनेंट, अगर डिटरमिनेंट का नाम ए है तो एम वन थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है माइनर ऑफ द एलिमेंट ए वन थ्री ऑफ एलिमेंट ए वन थ्री ऑफ डिटरमिनेंट ए। अगर कोई लिखता है एम टू वन, एम टू वन इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दिस इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट ए टू वन ऑफ डिटरमिनेंट ए, अगर डिटरमिनेंट का नाम ए है तब, ठीक है, ये तो समझ गए।
अब इरेज किसे करना है, डिलीट किसे करना है, AIJ का जो माइनर MIJ से जिसे हम डिनोट कर रहे हैं उसमें ith रो को और jth कॉलम को डिलीट करते हैं। तो M13 में जब M13 निकालेंगे तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट में, तो इसमें ith रो और jth कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। दिखाएंगे अभी कैसे करेंगे, हराइए मत, दिखा देते हैं कैसे करेंगे इसको हम। M21 का मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। M33 निकालने का मतलब कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके जो डिटरमिनेंट आएगा तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट में, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके जो डिटरमिनेंट आएगा उस डिटरमिनेंट के वैल्यू को हम लोग उस एलिमेंट M33 का माइनर कहते हैं। नहीं समझ में आया, वेरी गुड, अभी समझाएंगे। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, क्या है माइनर, किसी माइनर क्या है एलिमेंट AIJ का किसी डिटरमिनेंट A में, defined as the value of the determinant obtained by deleting the ith row and jth column. Determinant कब ith row को और jth column को delete करने के बाद। अभी इसको हम ठीक से समझा दे रहे हैं board पे कि कैसे किसी determinant का minor निकालते हैं। तुरंत अभी समझ जाएंगे आप इसको। ये तो इसलिए लिखवा देते हैं क्योंकि आप notes बनाते हैं, हम जो भी पढ़ाते हैं आप उसका notes बनाते हैं, तो notes पर सुंदर ही लगना चाहिए ना, तो उस पर ये लिखना जरूरी होता है। अदरवाइज इसके बिना भी तो हम सब कुछ समझा ही सकते थे बिना इतना लिखवाए हुए भी, पर लिखने से आप लोग होता क्या है कि जब मेरा वीडियो आप नहीं भी देख रहे होंगे आपके कॉपी पे वो सारा मेंशन रहेगा। चलिए पहले एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स ए लेते हैं और उसमें कुछ नंबर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, डिटरमिनेंट है ये, या 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं क्या है ये, डिटरमिनेंट है। हम अगर निकालते हैं इसका M13 का मतलब समझ गए आप, M13 का मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट A13, इसका मीनिंग क्या हो गया, माइनर ऑफ द एलिमेंट A13 ऑफ डिटरमिनेंट A, यही हुआ ना मीनिंग इसका। कैसे निकालते हैं, ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट आता है उसके वैल्यू को हम लोग M13 बोलेंगे। यही था डेफिनेशन में कि A13 का माइनर का मतलब कि ith रो jth कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ A13 रिप्रेजेंटेड बाय M13। दोबारा सुन लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, और आ जाएगा अभी, नहीं भी सुनेंगे तो अभी जो लिखेंगे समझ में आ जाएगा उस, ये देखने के बाद पीछे से वीडियो को फिर से चला लीजिएगा। माइनर ऑफ A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कौन है फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो, कौन है थर्ड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, इरेज कर दिया जाएगा। अब जो दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचा वो क्या बचा, 4, 5, 7, 8, ये तो था किसी, हो गया काम अभी, अब समझ गए कि कैसे करना है डिलीट। इसलिए कहा था मैंने कि पेशेंस को रखिए, बनाए रखिए, बहुत आसान है ये। तो क्या था अभी समझ गए आप कि M13 का मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो दो ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर ऑफ द एलिमेंट A13 दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय M13। M13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करके जो डिटरमिनेंट आएगा वह डिटरमिनेंट के वैल्यू को M13 बोलेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद ये बचा दो ऑर्डर का मैट्रिक्स, वैल्यू निकालना आप जानते हैं दो ऑर्डर के मैट्रिक्स को, अभी लिखा था आपने 4, 8, 32 - 7, 5, 35 = -3। -3 द माइनर ऑफ M13, ठीक है। एक और निकाल के देखा जाए M21 का मतलब समझ ही गए ना, माइनर ऑफ द एलिमेंट A21 ऑफ डिटरमिनेंट A, तो 21 का मतलब M21 में क्या करना होगा, सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना होगा, सेकेंड रो, ये है सेकेंड रो, चलिए यहां पे 6 है, यहां पे 9, ये है सेकेंड रो और ये है फर्स्ट, सॉरी ये है सेकेंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को कर दिए और फर्स्ट कॉलम को। अभी आप M21 निकालना है, M21 का मतलब कि यहाँ इस एलिमेंट पर 4 जो था वो उसका पोजीशन क्या है,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है ना, तो ये इरेज कर दिया गया। जो बचा वो क्या बचा अभी, 2389 यही बचा ना, 2389 M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये छुपा दिए, ये छुपा दिए, बचा 2389। ठीक है, तो दो नंबर 18 2918 माइनस 8324 माइनस 6। अभी आप समझ गए कि माइनर कैसे निकालते हैं, ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि आपको फैक्टर के बारे में बात कर लिया जाए। अगर आप M13 निकाल रहे हैं तो C13 यानी कोफैक्टर ऑफ A13 C13 निकाल लेंगे। C13 का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A13 और इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था, -1 to the power i + j, i का मतलब यहाँ पे 1 है और j का मतलब 3 है, इनटू M13 -1 to the power 4 और M13 कितना है यहाँ पे निकला था हमने -3। अब बताइए -1 पे पावर 4, तो ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस -3 इक्वल टू -3। जरा C21 जो यहाँ पे निकला निकल चुका था वो निकाल लिया जाए। C21 का मतलब क्या क्या पढ़ेंगे, कोफैक्टर ऑफ A21 मीनिंग क्या, -1 to the power i + j, i + j 2 + 1 इंटू M21, तो -1 पावर कितना 3, M21 निकाल चुके थे हम -6। देखिए यहाँ पे -1 पे पावर ऑड नंबर है ना, तो ये माइनस आ गया और अंदर में -6, दैट इज इक्वल टू +6, सिंपली 6। तो अभी हम समझ गए कि माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। दो तीन ऑर्डर या उससे अधिक ऑर्डर के डिटरमिनेंट को इवेलुएट करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले सीखना था माइनर और कोफैक्टर। आपने माइनर का और कोफैक्टर का दोनों का डेफिनेशन आपने लिख लिया, और अभी माइनर कैसे निकालते हैं वो समझ गए, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी समझ गए, ठीक है। माइनर कोफैक्टर निकालना आप समझ गए। अब सवाल ये है कि आप इसको ढंग से इसको सवाल को कर लीजिए। माइनर अगर हम लोग सीख रहे हैं तो प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकाल के और उसका कोफैक्टर निकाल के सीखा जाए। तो अभी आपके लिए हम बोर्ड पे एक नंबर एक डिटरमिनेंट देंगे एलिमेंट के पोजीशन के साथ, डेल्टा इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23 नौ, ये 3x3 यानी कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कुल 9 एलिमेंट्स हैं। हम लोग इसमें प्रत्येक एलिमेंट का यानी कुल 9 एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि सीख रहे हैं तो ये हम लोग करेंगे। तो अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालते हैं लोग माइनर, इसके माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे हम लोग, M11 से। M11 का मतलब माइनर ऑफ A11, कैसे निकालेंगे M11 देखिए। कैसे मन में क्या कीजिए, कॉपी पर तो आप सब खराब कीजिएगा नहीं कॉपी, तो आप क्या कीजिए मन में A11 का आपको इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रूल तो यही है ना, M11 का मतलब क्या रूल बताया गया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, उतना सोचने की जरूरत भी नहीं है। सीधा आप इस पर उंगली रखें, इसके सामने स्ट्रेट लाइन, इसके सामने स्ट्रेट लाइन, उसको आप मन में हटा लीजिए, इसको और इसको, यानी फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, सोचना भी नहीं है उतना। सीधा इसके सामने का स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन कट कीजिए, ये चारों बचा उसको लिखिए आप। लिखा गया M12 मतलब कि माइनर ऑफ A12। तो नियम तो यह है कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उंगली रखिए M12 पे, रखा गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, एक वर्टिकल लाइन खींचिए अपने उस एलिमेंट के पास से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छुप गया, ये चारों बच गया है ना, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए ऐसे ये मिट गया, ये मिटा दिया गया, इरेज किया गया, देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, सिंपल जहां पे उंगली रखे वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां से वर्टिकल लाइन, ये मिट गया सारा, ये मिट गया सारा, क्या बचा, ये 1 2 3 4 ये बचा। तो लिखा जाए इसको ऐसे, A21 A23 ये मिट चुका है, तो ये चल बचा है A31 A33
और लास्ट में यहाँ पे M13 निकाला जाए। M13 का मतलब कि माइनर ऑफ A13। तो देखिएगा मत पढ़िए कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम, पढ़ लिए होंगे अब तक। फर्स्ट यहाँ पे M13 तो उसका यहाँ पे वही ऐसा दिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट कीजिए, एक वर्टिकल कट कीजिए, ठीक। इस हॉरिजॉन्टल पे जितने एलिमेंट आएंगे स्वाहा, वर्टिकल पे जितने एलिमेंट आएंगे स्वाहा। ये चलो बच गया, नोट कीजिए, A21, A22, A31, A32, ठीक है। तो अब ये क्या आपका क्या आएगा, ये कि अब ये आप जानते हैं इसको कैसे करते हैं सिंपलीफाई। दो ऑर्डर का ये A22 A33 माइनस A32 A23, ये हो गया। इसका क्या आएगा A21 A33 माइनस A31 A23, और इसका क्या आएगा A21 A32 माइनस A31 A22। अब देखिए हम लोग फर्स्ट लाइन निकाल चुके हैं, मतलब M11 M12 M13। अब हम लोग यहां पे निकाल लेंगे M21 M22 और यहां निकालेंगे M23। और ये निकालने आपको आता है, अभी आप सीख चुके हैं M21 कैसे निकाला जाएगा। M21 देखिएगा, 21 पे M21 जो है वो माइनर ऑफ A21 है। A21 पे उंगली रख दिया ऐसे, और ये कैसे निकलेगा सीधा, इसका एक इस हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन क्रॉस कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल पे जितने एलिमेंट्स आएंगे वो गायब हो जाएंगे, वर्टिकल पे जितने एलिमेंट्स आएंगे वो गायब हो जाएंगे। क्या बचेगा, 1 2 3 और 4, ये बचेगा। A21 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन गायब हो जाएगा, वर्टिकल गायब हो जाएगा, जो बचेगा 1 2 3 और 4। तो A12 बचेगा, A13, A32 और A33। चेक कर लीजिए, M21 निकाल रहे थे ये और ये गायब, एक ये दोनों बचा A12 A13 A32 A33, ओके है। M22 इज माइनस फॉर A22, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल गायब कीजिए, वर्टिकल ये दोनों और ये दोनों बच गया, ये दोनों और ये दोनों, A11 A13। M23 यहाँ पे है, ये A23, M23 जो है A23 के सामने से एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, तो ये दोनों बच गया और नीचे का दोनों बच गया। ठीक है, इसका भी हम अभी ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे करके, और लास्ट में क्या निकालना होगा, M31 M32 और M33 निकालना होगा हम लोगों को। M31 कैसे निकालेंगे, ये देखिए A31 के लिए है ये M31 माइनर है, ये A31 का M31 माइनर ऑफ A31। तो A31 के लिए इसके एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन छुपाइए, जो बचेगा वो लिखिए। ये चारों को A12 A13 A22 A23 ऐसे ही आप इसको और इसको भी लिख सकते हैं। हम वीडियो को पॉज करेंगे क्योंकि बेमतलब का वीडियो लंबा हो जाएगा फिर, तो वीडियो को पॉज करने के बाद अभी सारा डाटा फिल कर लिया गया है। हो सकता है कुछ इधर का जो टर्म्स है आपको कम दिख रहा हो, छोटा छोटा वैल्यू हो भी लिखा गया है, ये फॉन्ट लिखा गया है काफ़ी शॉर्ट हो गया है लेटर्स का, तो भी आप समझ रहे होंगे। आप उसको जूम करके भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करने के बाद, या फिर आप उसको खुद से भी निकाल सकते हैं। आप प्रोसेस तो समझ ही गए ना कैसे निकालते हैं। देखिए क्या है कि 9 एलिमेंट्स है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में, और यहाँ पे 9 एलिमेंट्स का माइनर निकाल दिया गया, M11 निकाल दिया गया, M12 M13 इनका वैल्यू यहाँ यहाँ और यहाँ है, M21 का वैल्यू यहाँ पे है, M22 का वैल्यू यहाँ पे है, और M23 का वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है, जबकि M31 का वैल्यू यहाँ इसके बराबर में इधर नीचे जगह सोचा कि वीडियो में कम दिखाई देगा आपको, वो नीचे का थोड़ा कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ राइट में लिख दिया गया। फिर यहाँ पे आपका ये M32 लिख दिया गया, नीचे में इसका वैल्यू है, और ये M33 नीचे में इसका वैल्यू है। 9 1 2 3 4 5 6
सात आठ नौ, कुल नौ एलिमेंट्स जो कि थे उन सभी का माइनर आपको सिखा दिया गया बारी बारी से। माइनर से क्या है, कोफैक्टर सीखना है। तो कोफैक्टर जो है वो बस माइनर का ही रूप है ना, मतलब उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। कोफैक्टर में थोड़ा सा एक रूल है, माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे और वही माइनर, तो इतना ही है। तो अब उसको जरा सा देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि माइनर से कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है और कितना सिमिलरिटी है उन दोनों में या कितना डिफरेंसेज है। देखिए M11 है तो यहाँ पे हम C11 प्रत्येक का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पे C11 जैसे कि 9 माइनर निकाल चुके हैं, 9 कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। C11 का मतलब होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, सी आई जे का मतलब क्या, माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये है फॉर्मूला। माइनर से कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला ये है। तो C11 का मतलब क्या, माइनस वन टू द पावर आई, और तो नीचे लिखते हैं क्या पता बोर्ड नहीं दिख पा रहा हो, C11 माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे, यहाँ आई वन जे वन, वन प्लस वन इंटू एम वन इज इक्वल टू माइनस वन पे पावर कितना टू इंटू एम वन, माइनस वन पे पावर टू तो इवन पावर है ना, तो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, वन इंटू एम वन वन, तो फाइनली क्या एम वन वन। बड़ा बढ़िया बात हो गया कि सी वन वन जो निकाल रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है ना आपको, सी वन वन जो निकालेंगे, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, वह कुछ नहीं है, वह एम वन वन ही है। यानी कि C11 वही होगा कोफैक्टर ऑफ इस एलिमेंट का, A11 एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर सेम होगा। C11 यानी कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11 ऑफ द डिटरमिनेंट A, कोई भी डिटरमिनेंट अगर नाम दिया गया A तब, C11 का मतलब कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11 और M11 का मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट A11, दोनों क्या आ रहा है, C11 इक्वल टू M11। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 इज इक्वल टू माइनर ऑफ A11, ठीक है ना, ये C12 निकाला जाए, M11 का हो गया, अब M12 का निकालते हैं कोफैक्टर, जहां M12 माइनर था A12 का, अब A12 का कोफैक्टर निकालेंगे, माइनस वन टू द पावर I प्लस जे इंटू M12 इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू थ्री ना इंटू M12। अच्छा माइनस वन पे पावर थ्री ऑड नंबर, तो माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, फाइनली क्या आएगा माइनस वन, यानी कि माइनस वन एम वन टू इज इक्वल टू, सिंपल बोलेंगे तो माइनस एम वन टू बोल सकते हैं क्या, माइनस एम वन टू, यहां तक बोर्ड आपको दिख रहा होगा। तो क्या समझे आप कि सी वन टू जो है वह कुछ नहीं है, माइनर माइनर जो वन टू का आएगा, सॉरी सॉरी ये वीडियो थोड़ा हिल गया था, क्योंकि ये लॉकडाउन के वजह से अभी तक ऐसा कोई गैजेट नहीं मिल पाया है जिसे ट्राइपॉड कहते हैं शायद, जिसमें मोबाइल को या कैमरा को जिसमें हम लोग अरेंज कर पाते हैं, फिक्स कर पाते हैं। तो अभी किसी तरह वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, तो ठीक है, अभी थोड़ा हिल गया था वीडियो पर अभी ठीक है। तो आप देखें जल्दी ही दुकान तो आज तो खुली है, लॉकडाउन काफ़ी लंबा समय से हो गया और इसी वजह से वीडियो को हम वीडियो बनाना पड़ रहा है आपको पढ़ाने के लिए। तो अभी तो लॉकडाउन ख़त्म, देखिए अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, आज तो 15 मई चल रहा है, लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 तक का है, चौथा चरण के लिए घोषणा समझिए तो कहीं ना कहीं हो ही गया है, अभी फाइनली बोला नहीं गया है, घोषणा नहीं किया गया, पर वो समझिए कि अभी शुरू ही है, वो होगा ही। खैर अभी हम देखते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा वीडियो हिल गया था क्योंकि फिक्स नहीं है ये, इसी तरह अरेंज करके वीडियो को बनाया जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या, C12 जो है वह जस्ट M12 का निगेटिव वैल्यू है, मतलब यदि आप M12 निकाल लिए हैं ये बराबर ये, इसी वैल्यू को यदि आप बस आगे में निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो वह C12 को फैक्टर भी कहा जाएगा। M11 था जो माइनर था A11 का, जो माइनर था A11 का वही को फैक्टर भी है A11 का, लेकिन जो माइनर था A12 का
एम वन जो माइनर था ए वन टू का, उस माइनर में निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर मिल जाएगा ए वन टू का। अब जब सी वन थ्री निकालेंगे तो आप देखेंगे बड़ा बढ़िया ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको। सी वन थ्री कैसे निकलेगा, माइनस वन टू दी पावर आई प्लस जे, आई का मतलब वन और थ्री यहाँ पे जोड़ेंगे इन एम वन थ्री, तो माइनस वन टू दी पावर तीन और एक चार एम वन थ्री। आप समझ गए माइनस वन पे पावर फोर का मतलब यहाँ पे इवन नंबर है पावर, तो ये प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा वैल्यू, तो प्लस वन इंटू एम वन थ्री सीधा मतलब क्या हो गया, ये एम वन थ्री हो गया। बड़ा मजा आया ये क्या कि एम वन थ्री और सी वन थ्री भी सेम है, मतलब कोफैक्टर और इस एलिमेंट का कोफैक्टर वही है जो इस एलिमेंट का माइनर है एम वन थ्री सी वन थ्री इक्वल, इसका और इसका सेम हो गया, और इसका इसका कोफैक्टर और माइनर सेम हो गया, जबकि इसका ए वन टू का माइनर और कोफैक्टर में बस निगेटिव का अंतर है। ठीक है, सी वन से निकाल चुके, अब हम लोग निकालेंगे ये निकल गया, अब निकालेंगे यहाँ पे सी टू वन, इसके लिए सी टू वन निकालेंगे, सी टू वन सी टू टू। अब हम इसको मिटा रहे हैं थोड़ा, इसका उतना जरूरत नहीं, अभी जगह भी नहीं है तो कहाँ लिखेंगे, सी वन टू टू और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सी टू थ्री। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर खुद से लिख सकते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग सी थ्री वन सी थ्री टू और सी थ्री थ्री, और इतना आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। आप हम भी वीडियो को पॉज करके ये डेटा लिख दे रहे हैं क्योंकि आप समझ गया है कि लिखने का प्रोसेस क्या है, और लिखने के बाद बता रहे हैं आगे क्या करना है। तो आप देखें कि अभी आपके स्क्रीन पे ये आपको दे दिया गया निकाल के वैल्यू सारा, सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री आपको दिख रहा होगा अभी काफ़ी। आप इसका वीडियो स्क्रीन शॉट लेके जूम कर सकते हैं, और आप जो देख रहे हैं डेटा, ठीक है, तो ये देखिए इसमें सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री जो फर्स्ट रो का है, नीचे में आप सेकेंड सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सेकेंड रो का है, और सी थ्री वन सी थ्री टू और सी थ्री थ्री थर्ड रो का है। ये तीनों का ही निकाल दिया गया है कोफैक्टर। अभी हम बोर्ड पे आते हैं समझाते हैं, और राइट साइड आप लेफ्ट साइड में देखेंगे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर। आप देखें वहाँ पे फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू वन माइनस थ्री टू फोर माइनस वन टू और थर्ड रो है थ्री फाइव टू। तो ये आपका होमवर्क है जिसको कि आपको घर पे करना है, और अभी आप इसको जो भी आपको बोर्ड पे भी सिखाया जा रहा है सिखाया गया है आप उसे देखें। ठीक है, बता दिया गया आपको कि यहाँ तक तो ये वाला तीन आपके सामने किए, ये भी तीन चार्ज किए, और ये या फिर कुछ नीचे जो है वो वीडियो को पॉज करके दिखाया गया है। देखिए अभी ये क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डेल्टा दिस। प्रत्येक एलिमेंट का नौ एलिमेंट है ना, थ्री बाई थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, प्रत्येक का आपको माइनर निकालना है, यानी कि एम वन वन निकालना है, एम वन टू एम वन थ्री एम टू वन एम टू टू एम टू ये निकालना है। निकालने के बाद सबका आपको कोफैक्टर ही निकालना है। ठीक है, तो पहले यहाँ एक चीज देखें कि अभी आप जो निकालना सीख गए हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि कोफैक्टर और माइनर में बस थोड़ा सा अंतर है। कहीं कहीं कोफैक्टर जो है वह उसी के उसी कहीं कहीं किसी एलिमेंट का कोफैक्टर, सी वन वन का मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए वन वन और एम वन वन का मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट ए वन वन। फॉर एग्जाम्पल सी टू थ्री का मतलब कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए टू थ्री और एम टू थ्री का मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट ए टू थ्री, यही है ना। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, नौ कोफैक्टर, इसके पहले आपने नौ माइनर निकाला था, अभी नौ आपने कोफैक्टर देखा। कोफैक्टर और माइनर में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कहीं कहीं कोफैक्टर माइनर के बराबर है और कहीं पे बस निगेटिव का अंतर है। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू सबका सेम है, कोफैक्टर का और माइनर का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। उसमें भी आप देख रहे हैं कि सी वन वन एम वन वन सेम है, सी वन टू एम वन टू में निगेटिव का अंतर है, फिर ये सेम है निगेटिव का अंतर है, सेम है निगेटिव का अंतर है, सेम है निगेटिव का अंतर है और सेम है। तो अभी हम ये एक बार सिखा दिया गया आपको, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी यहाँ पे नौ एलिमेंट का आपको घर पे टास्क है ये निकालना है।
अगर आपको कोई मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आपको इस एलिमेंट का निकालना है माइनर, इस एलिमेंट का इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको आप बोलेंगे क्या M22। तरीका क्या निकालेगा इसका, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, मन में इसको काटना नहीं कॉपी पे, आपको मन में कट क्रॉस कर लिए, जो बचा वो क्या लिखेंगे, 1 2 3 और 2 1 2 2 -3 2 6 -4 निकल गया माइनर। अब इसी का आपको फैक्टर निकालना है, तो C22 से आप इसको डिनोट करेंगे। फिलहाल C22 क्या हो जाएगा आपका, देखिए C22 में क्या होता है, सेम रहता है M22, -1 पे पावर 2 + 2 M22, -1 पे पावर 4 M22, तो -1 पे पावर 4 मतलब प्लस हो जाएगा वो, क्योंकि इवन नंबर है M22, और M22 क्या निकाला हमने अभी, -4 निकल गया। इस प्रकार से आपको 9 एलिमेंट का कुल ऑल 9 एलिमेंट्स का आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना, ये आपका टास्क है। आप इसे बना के जो कोचिंग के जो टाइमिंग से ट्यूटोरियल के बच्चे हैं वो आप व्हाट्सएप कर देंगे मेरे को ये बना के, और नोट्स बना उतार के कॉपी पे, तो हम अगले वीडियो में आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना सिखाएंगे। चूंकि अभी इतना सारा मेहनत हुआ है तो एक काम आपको सिखा के भेजेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा सिंपल बस एक चीज, हालांकि इसके बारे में आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोफैक्टर और माइनर का पोजीशन क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पोजीशन होता है A11 का, यहाँ पे माइनर का जो सिंबल है C11 वो पॉजिटिव है, C11 M11 यहाँ प्लस है, और C12 यहाँ बस निगेटिव है, C12 मतलब A12 के लिए, और C13 फिर प्लस है, प्लस माइनस प्लस, C21 नेगेटिव, बस माइनर के जो आगे साइन है ना कोफैक्टर के लिए वो साइन को यहाँ पे लिख रहे हैं, बस साइन को, C21 का साइन कैसा है माइनस, और C22 क्योंकि A22 का पोजीशन का होता है कोफैक्टर, साइन कैसा है प्लस, C23 जो कि कोफैक्टर है एलिमेंट A23 का साइन कैसा है नेगेटिव, C31 A31 के पोजीशन पे है साइन कैसा है प्लस, C32 माइनस और C33 प्लस, इसको आप याद रखेगा कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कोफैक्टर का साइन है M11 के रेस्पेक्ट में ये अभी लिखा गया है, क्योंकि इतना सारा लिखे थे, फिर कल अगले वीडियो में इतना लिखे के बाद ये लिखना महंगा काम हो जाएगा, तो ये बस लिख दिया गया। अगले वीडियो में जब पढ़ाएंगे कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर, तो उसमें जब सीखेंगे आप तो उसमें आपका ये 3 ऑर्डर के लिए ही है, तो 3 ऑर्डर में जब सीखेंगे तो आपको ये काम आएगा। तो अगले वीडियो में सीखेंगे हम लोग कि 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत ही बारीकी से और धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको, मतलब काफ़ी लंबा वीडियो बना हुआ है, अभी चाहते तो इसको शॉर्ट में बिना इतना लिखवाए भी पढ़ा सकते थे, समझा सकते थे कि 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है वो बताना, बट चूंकि आप अपना नोट्स बनाते हैं, ये हमको पता है कि आप नोट्स बनाते हैं, कई बच्चों से बात हुई है इस बारे में, तो इसलिए उसको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे कि आप क्लासरूम में किसी टीचर से पढ़ाई कर रहे हो, भले ही आप ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, बट फिर भी पढ़ाया वैसे ही जाएगा जैसे कि आप क्लासरूम में टीचर के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं कोई डाउट नहीं हो आपका, ऐसा प्रयास किया जाता है इधर से पढ़ाते वक्त, तो आप इसका नोट्स बना लेंगे आज के कार्य जो भी पढ़ाया गया आपको, और ये टास्क है तो देख लीजिएगा। अगले वीडियो में सीखेंगे हम लोग कि कैसे 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, और उस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद इस चैप्टर पे आ जाएंगे, सवाल बनाने शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।